चिकन कढ़ाई खाई है भाई, दो बोटियां मैंने खाई, बाकी सारा इसने खाया। ये हमारा इतना जो है इम्पोर्टेंट सिटी इस वक्त इतना अनसेफ और अनसिक्योर इस वक्त चल रहा है। एंजेलिना जोली जब आई थी ना 2002 में, हमारे पास पेट्रोल खत्म हो गया, कैसे फील कर रहे हैं आप? बस मोटरवे से लाहौल मोटरवे पे चढ़ गए। हाँ, नाश्ता करने के बाद अब बोल सकते हैं हम जा रहे हैं ग्वादर भाई साहब, ग्वादर। अली भाई, ग्वादर का क्या मेन काम है, हम क्यों जा रहे हैं ग्वादर? हम ग्वादर विजिट करने जा रहे हैं ताकि हम उधर लोगों को अपने बता सकें कि वहाँ पे इस टाइम पे क्या डेवलपमेंट चल रही है और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। मतलब उसके अलावा हम जो है मतलब ग्वादर को एक्सप्लोर भी करेंगे और देखेंगे ग्वादर कैसी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब मेन काम है कुछ सोसाइटीज हमने देखने हैं और उसके अलावा भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम जा रहे हैं तो एक्सप्लोर तो करना हमारा हक बनता है। मेरा ड्रोन उड़ाने का शौक है इंशाल्लाह। हम बिल्कुल, आपने मेरी ड्रोन पे वीडियो भी बना ली है, एक बेहतरीन सी। एक शीशा, एक सिर्फ इतना सा शीशा। हम साइड पे थोड़ा सा रुके हैं, ये मुझे लगता है क्या हम ताम है मुल्तान से पहले। हमने कहा चलो रेस्ट करते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं और हम खुद भी थोड़ा सा। और ये ऐसे लग रहा है कि ये वहाँ सारे बसेज आती हैं, वो कराची जा रही हैं सब, ये मोटरवे है। अच्छा, हम अभी क्या क्रॉस कर रहे हैं? खानेवाल क्रॉस कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले? ये कह रहे थे कि जितना डिस्टेंस जो है इस्लामाबाद से लाहौर तक है, उतना ही डिस्टेंस इस वक्त इस्लामाबाद से मुल्तान तक है। तो नाइजी पहले होता ये था कि ये 8 से 9 घंटे का डिस्टेंस होता था इस्लामाबाद से मुल्तान तक, और अभी ये तकरीबन 4 घंटों में हम 8 बजे हम इस्लामाबाद से चले थे और अभी 12:15 हुआ है, तो हम इतने कम टाइम में इस वक्त मुल्तान पहुँच गए, ये बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है। भाई आप कुछ फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा था अली भाई को कि कोई ऐसी चीज़ तलाश करें कराची में, खास चीज़ हो जो हम खा सकें। अच्छा, कराची में जो खास चीज़ है वो खा सकें खाने के लिए। चल चल, बात तो सच्चाई है मगर रसवाई की तो नहीं है। मुझे तो कोसे का पता है। तो हम क्या यार, ऐसी चीज़ क्या खाने वाली है? कॉकरोच, सी फूड। कॉकरोच क्या? गर्मी इतनी तेज़ होती है, यूँ ही आगे जाओ जाओ। तो वह हम यहाँ रुके हुए थे सोहन हलवा। से नीचे आ जाएं, राणा सनाउल्ला कहते हैं पीडीआई में नए बुजदार ग्रुप ने भी जन्म ले लिया। बस पॉलिटिकल इज एवरीवेयर, सब देख रहे हैं। बुजदार का बयान कहा, तीनों लगे इस्तीफे की मंजूरी के बाद वजारत आला। यहाँ से मोटरवे खत्म होता है। ये क्या नाम है सिंटेक्स का? शक्कर नहीं, रोड़ी। रोड़ी जी, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप कैसे जयम भाई, ये लास्ट है मोटरवे? लास्ट मतलब मोटर आगे बन रहा है। अच्छा, इस जमीन पे हम अभी हैदराबाद जा रहे हैं। यस यस यस, आगे हैदराबाद आएगा। तो इस जमीन का क्या है, आप बता रहे थे? एक्चुअली ऑन दिस लैंड वी कैन नॉट यू नो ग्रो क्रॉप्स बिकॉज़ ऑफ टू मच सॉल्ट कंटेंट। हां, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, इन द सॉइल। अच्छा, ये सारी जमीन नमक वाली है। बैरन लैंड, बैरन। अच्छा, या ये इधर आके क्या हो गया दोनों को? ये नमक हवा चेंज हो गए। अच्छा, नमक वाली जमीन। अभी हम कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर पहले हम थोड़ा सा रुके हैं, ये चेक करें देसी माहौल, चाय शाय खाना पीना वगैरह, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, क्या मंगवाया? चिकन कढ़ाई, पूरा फुल जैसे माहौल, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। आप डाले जैम भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ। यार हमने खा लिया है फाइनली, और इनकी कढ़ाई इतने मज़े की है ना, इतने मज़े की है। अब मैं इनसे पूछता हूँ ना, देखना क्या बताएंगे। ओए ओए ओए, तबाह दे। ये होटल है,
अच्छा जैम भाई जी सर, बताएं अब कैसे था कढ़ाई? कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह सही, जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया, थकावट उतर गई। अब 9 घंटे का सफर जो है वो महसूस नहीं हुआ कि हम सखर पहुंच गए। मुझे लग रहा है कि मैं शायद अभी फेज 7 में हूं, बैर गेट हूं। अच्छा क्या नाम है आपका? तैमूर भाई। यस ये जरा बताएं। हेलो क्या पूछना भाई? मैं हाँ बताए क्या खाया है, कैसे कैसे चिकन कढ़ाई खाई है भाई? 2 बोटियां मैंने खाई, बाकी सारा इसने खाया। वो तो ठीक है, थोड़ा सा खाया बस, थोड़ा सा, इतना सा डाइट पे होना, यू नो स्मार्टनेस। जिस हिसाब से आप गोलियां चला रहे थे हमारे कंधे पे, अरे यार ऐसे नहीं, कैमरा चल रहा है भाई, ऐसे मत बोलो, बेइज्जती हो जाएगी। थैंक यू। मैं बताता हूं, अली भाई सही बताएंगे। अली भाई उनको कैसे लगा कढ़ाई? कढ़ाई वाज अमेजिंग और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट जो है अभी तक कढ़ाई का बाहर खाने में। मज़ा आया, पता लग गया कि हम सिंध में घुस गए, क्योंकि सिंध और हैदराबाद कराची ये अपने खानों की वजह से मशहूर है। तो हमारा आगाज़ एक बड़े अच्छे खाने के साथ हुआ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा आगे भी अच्छा। अब कहाँ जा रहे थे हम भाई? अभी हम कराची की तरफ रुख मोड़ लिया, टुवर्ड्स कराची है, और इंशाल्लाह कराची में जो है वो पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। ये हैदराबाद से कराची तक ऐसे मोटरवे की रश है, ये तो फील हो रहा है एक्सप्रेस हाईवे है, मोटरवे तो है ही नहीं। वो भी अच्छी होती है, थोड़ी इससे बेहतर होती है। यहाँ पे रक्षे भी चलते देखे गए हैं, यहाँ साइकिल भी चलते देखे, टायरों वाले भी देखे हमने, रोड पे कुत्ते क्रॉस करते भी देखे गए। तो मोटरवे के जो जंगला होता है जो ठीक है, जो कि मोटरवे को इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रखता है। चेक करें क्या ये रात को कितने बजे हम? ये 11 बजे रात को, देखें क्या सोते हालात है। मोटरवे है माशाल्लाह, इतनी रश है। अली भाई कैसा फील कर रहे? ठीक फील कर रहा हूँ जी, बस अब हम कराची पहुँचे थे, आखिरी हमारा ये था, क्या है तब जो क्यों फील कर रहे, सिंध के बटेरे बनने की तरफ काम कर गाड़ी खोलो, क्या होता है छोटी छोटी मेरी भी पूछे, छोटे से बटेरे सिंध के। आप हिसाब का मोटर वे में M9 में फास्ट ट्रैक में 22 व्हीलर जो है वो अपना ट्राला चला रहा है, कैरी डब्बा भी, कैरी डब्बा भी जो है जिसकी स्पीड 80 से ऊपर नहीं जाती, वो हाई स्पीड लेन में जो 120 वाली लेन होती है, इससे ऊपर की लेन होती है, वहाँ पे 80 स्पीड आती है, 80 से ऊपर नहीं जा रहे हो। ये देखें लाइव एक्सपीरियंस देखें आप। तो गवर्नमेंट सोई भी है, जब से हम चढ़े हैं मोटर वे पे किसी वो पेट्रोलियम वाले की गाड़ी नहीं देखी, हर हर चौक पे मुझे ये मेरा चल बजाना बंद करवाएगा। वाकई वाला बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, कैरी डब्बा का खांसी ही निकल रही होगी फास्ट टाइम में। चले कैरी डब्बा आज चलो और बात है, वो क्रॉसिंग कर रहा होगा, ये कम से कम ट्रक मजदे, ये तो अपने इनको तो इस लाइन में आने की इजाजत ही नहीं है, इसका इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, दिस इज कराची। ये देखें तीन, ये हमारा इतना जो है इंपॉर्टेंट सिटी इस वक्त इतना अनसेफ और अनसिक्योर इस वक्त चल रहा है, ये मोटरवे पे जो 9 गई है। मुझे लगता है जी ये बस इन्होंने वैसे ही छोड़ी है, इधर ना कोई पेट्रोलियम वाला है ना कुछ, कोई चक्कर नहीं। ये क्या है इधर? तो ये सिटी मुकम्मल डेवलप है, नहीं डेवलप हो रही है, मतलब बन रहा है, ये मेन एंट्रेंस, ये राइट साइड पे देखे, राइट साइड पे फास्ट लाइन, फुल है फास्ट लाइन, बसों और ट्रकों की वजह से। ये तो हम कैसे वापस आएंगे? यहाँ से ट्रेवल नहीं करना, और दिन को तो डबल होगा, दिन को रात को चलने का होगा, रात को
लेकिन यहाँ से ट्रक ही ख़त्म ही नहीं हो रहे थे भाई। हम तो पिटते एक्सप्रेस हाईवे में इतना ट्रक हो तो देखने के बाद हम क्या जन्नत में वो गेट आ रहा है बैरियर का क्या हाँ नहीं जी सिर्फ दरवाजा दरवाजा नहीं मतलब जो एंट्रेंस हाँ जो एंट्रेंस बनवाया था ऑफ कोर्स هذا من فضل ربي الله اكبر والله غير الراضيين شوف भाई लव बहरे दा ये जो जामा मस्जिद ये बन रहा है अभी ये बन गई जामा मस्जिद ग्रैंड मस्जिद ग्रैंड मस्जिद बन गई ग्रैंड मस्जिद वो सबसे बड़ी है ना इस्लाम में इस पाकिस्तान में वो 8 साल से बना रहे हैं पता नहीं कब तक बनाएंगे बहुत बड़ी दुनिया की तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी मस्जिद बन गई है नहीं 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 पक्की बात है पक्की बात है मैं तो इस बात से हैरान हूँ अंदर एक रोड है जो एक्सप्रेस हाईवे से भी लंबा है बहुत बड़ी बुलेवार्ड है जैम भाई नमी फील हो रहा है आपको बहुत है ना अभी अभी हम कराची पहुँचे हम अभी होटल के बाहर हैं पूछते हैं हमारा रूम है या वैसे ही हम बस इधर अंदर आए बिस्मिल्लाह आहा अदर हमाम ये तो हॉस्पिटल है माशाल्लाह माशाल्लाह जैम भाई ऐसी सोने से पहले कैसे है जैम भाई मजे का ओके गाइज सब्सक्राइब करना शेयर करना लाइक करना इधर उधर भेजना हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई जान क्या हाल है सब ठीक है सुबह सुबह उठे हम लेट तो हो गए वैसे कितने बज गए 9:30 सब और सब किस सानू की पता अच्छा तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से ग्वादर की तरफ ग्वादर जो है वह 630 किलोमीटर के फासले पर है 7:30 घंटे गूगल मैप नज़र मतलब दिखा रहा है हम 3 घंटे हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे तो रश भी होने लगे अब आस्ता आस्ता हम मार्केट के ऊपर जो फ्लैट जो रेजिडेंशियल टावर है रेजिडेंशियल टावर के अंदर जो है आपको मिल जाएगा लेकिन बलूचिस्तान का तो ये खूबसूरती है ना उसके जो पहाड़ और सहरा तो अभी आस्ता हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो कचरा आपको दिख रहा है वो हाँ जो खूबसूरती है नहीं नहीं ये हमारी बदसूरती है ओए होए होए ये हमारा नाश्ता है इधर एक होटल है बलूचिस्तान में मेन रोड पे वेरी टेस्टी फूड मलाई नेचुरल क्रीम नेचुरल क्रीम जैम भाई अच्छा हमने यहाँ नाश्ता किया है और अब यहाँ से हम जाएंगे आगे ग्वादर सीधा वहाँ ये अटक देखे अटक पंप शोल बहार हाय 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 बीच मॉस्क पार्किंग प्रिंसेस ऑफ होप है तो जो अभी वाला एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा कल को हाँ जी जो अभी वाला है क्योंकि नया जो एयरपोर्ट इनका एक्चुअल में बन रहा है ना हाँ वो दुबई के एयरपोर्ट से भी बड़ा है एयरपोर्ट से यूके के एयरपोर्ट से भी बड़ा
प्रिंसेस ऑफ होप वन हा आधे या आधे या। हम जिस एरिया पे हैं भाई, इसको कहा जाता है हंगोल नेशनल पार्क। पार्क तो यहाँ है नहीं, पार्क मतलब ये नहीं कि जरूरी है, जगह का नाम जगह का। हाँ, और इसके बाद ये लेसबेला डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये मशहूर है ना सैंड और रॉक, जो नहीं है ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं, सारा सैंड और रॉक का वो है ना पहाड़, इस तरह उस तरह इधर उधर, सुभान अल्लाह तबारक अल्लाह माशा अल्लाह, बहुत अजीब से गरीब नज़ारे। हर दो मिनट के बाद बंदा कहता है यार एक मिनट मैं पिक्चर लूँ, एक मिनट मैं तस्वीर लूँ। और ये प्रिंसेस ऑफ होप जो है ना, बिल्कुल इस तरह वो देख रही है वहाँ जिस तरह अभी अली भाई बाहर देख रहे हैं। और ये ना, ये एंजेलिना जोली जब आई थी ना 2002 में, तो उसने इसका नाम रखा है प्रिंसेस ऑफ होप। जब यूसुफ रजा गिलानी ने उसके पास जाके तस्वीर बनवाई थी, सानू की पता। आपका ये पहली दफ़ा प्रिंस ऑफ होप देख रहे हैं? मैं भी, जहां भाई आप भी, तिमूर भी आप भी ना। ये हमारा जो है प्रिंस ऑफ होप है। हम पहली दफ़ा देख रहे हैं सब, कैसा लग रहा है ये खूबसूरती देखते हुए? मैं अभी तमूर से भी डिस्कस कर था, मैं कह रहा था कि कल से अभी तक का जो हमारा सफ़र है तो हमने हर चीज़ देख ली है, सरफेस से सरफेस, जगह घने जंगलात, और उसके बाद फिर ये खुशक पहाड़, फिर ये पहाड़ सारे पत्थरों रेत के बने हुए, ये एक बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। ये मिट्टी के पहाड़ बड़े खूबसूरत और बड़े हाइटेड हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ है वैसे टूरिज्म अट्रैक्शन करने के लिए, हमारे बेस्ट विद द बेस्ट टूरिज्म। हमारे जो दोस्त थे ना, वो कह रहे थे हमें कि आप लोगों ने बाय रोड का सफ़र जो है ना वो क्यों चूज़ किया, हम लोग बाय एयर क्यों नहीं गए, इट्स नॉट सेफ। तो मेरे उस वक्त जो है वो माइंड में यही था कि अगर मैं बाय एयर सफ़र करता हूँ तो मैं ये चीज़ मिस कर लूँगा, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने भी साथ मिल के जो है ना एक्सप्लोर किया, आपको ये थोड़ा सा लगा कि ये कितना इट वॉज वर्थ कमिंग हियर। बाय एयर जाते तो वो तो बस एयरपोर्ट पर उतरे और ग्वादर घूम के वापस, ये चीज़ हम देख ही ना पाते। Yes, that's right. इस सहरा के दश्त में, सही है उर्दू लफ्ज, और इस तेज धूप में हमारे पास पेट्रोल खत्म हो गया, कैसे फील कर रहे हैं आप? अभी खत्म नहीं हुआ, वी आर होपफुल कि हम ग्वादर सिटी पहुंच जाएंगे। हमारे पास जो है गाड़ी बता रही है 68 किलोमीटर आप चलेंगे और ग्वादर जो है 90 किलोमीटर है, तो हम अल्लाह के नाम पे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तैमूर भाई साथ है। तैमूर भाई हाँ, मैं धक्का लगाऊंगा। ये ग्वादर और तुर्बत, अभी हमारे पास तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ ज़्यादातर ईरानी पेट्रोल मिलता है, तो ईरानी पेट्रोल इतना नहीं अच्छा होता है, हम 2-3 लीटर डलवाएंगे बस। तीन लीटर गाड़ी में डालें, बाकी बोतल में डालेंगे। अब अथरा था सैर और बाकी गुंदा एहतियात अच्छा मान बोन अब सैर बतरोल ईरानी हाथ एहतियात मान। तीन बोतल ये जो जगह है ना इंडस फ्री जोन, इधर जो भी कोई भी आके प्लॉट लेके फैक्ट्री ओपन करे और विदाउट टैक्स, डिटेल्स वैसे कितने साल के लिए विदाउट टैक्स? 40 साल विदाउट टैक्स। ये ग्वादर है एंट्रेंस, इधर ग्वादर का एंट्रेंस है। हम अभी मरीन ड्राइव में हैं। तो छोरे मैं आ गया हूँ मैं। हाय 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 हाय, हवा ठंड है, खोले खोले जेम भाई खोले, फ्रेश हवा खाते हैं। ओहो मजा आ गया है। समुंदर समुंदर आवाज स्मार्टफोन Thank you.
पूरा ग्वादर नज़र आता है यहाँ से, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा धुंध है तो इसलिए। ये कंप्लीट बिजनेस सेंटर? नो, ओनली जस्ट वन बिल्डिंग बिजनेस सेंटर। दिस वन, ओके। और इसके बैक साइड पे जितनी फैक्ट्रीज हैं, वो फैक्ट्रीज में से 4 फैक्ट्रीज कंटिन्यू है, जिसपे एक है रिसाइकल की, दूसरी है गारमेंट्स की, तीसरी है ब्लड डिशेस की। डेप्थ कितनी है यहाँ बीच की? बहुत ज़्यादा है। इस पे तकरीबन मर्जेंट शिप जिसे कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है, अगर वो भी आप इसको टकराता है तो उसको कुछ मिनट, एक दफ़ा किसी कंट्री ने इसे टेस्ट करने की ट्राई की और इसने 2 घंटे में इसे बिल्कुल फायर कर दिया था। वरना जो मर्जेंट शिप होता है उसको तकरीबन छोटे छोटे शिप्स की ज़रूरत होती है कि वो उसके अंदर से कंटेनर उतारे, उसका वजन हल्का करे, फिर इसने करीब लेके आए और उन्होंने डायरेक्ट इसके साथ लगा दिया हुआ, तो इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था और इस वजह से ये इंटरनेशनल फर्स्ट वन पाकिस्तान। हम तो ये शिप खड़े थे, अगर इन केस हमारे पास यहाँ से लेके इतना बड़ा शिप आ जाता है तो इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। वो खुद ब खुद इन्होंने पोर्ट बनाया नहीं है, वो खुद था, जिसको टेस्ट करने के बाद पता चला है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। वरना ये पोर्ट कासिम और जितने भी हैं बाकी पोर्ट, ये उनका बिल्कुल क्रॉस कर चुका है। हम अभी बाहर आए अरेबियन नाइट्स के होटल में, इधर एक मशहूर है, उधर हमने खाना खाना है और बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान पूरा तरक्की हो, गवादर बलोचिस्तान इतना तरक्की हो यार। हाय हाय, आज हमने इतने ड्रोन्स वगैरह नहीं उड़ा सके हैं बिकॉज ऑफ हवा, टाइम, कल कोशिश है बहुत कुछ करने का। और अभी हमने यहाँ मंगवाया है कढ़ाई, एक स्पेशल जो बलूचिस्तान में बनती है, और दूसरी क्या चिकन कढ़ाई, और दूसरी जो है ग्वादर की जो स्पेशल फूड है जो है राइस, और उसके ऊपर ग्रिल्ड मछली फुल एक होती है 1.5 किलो की मछली, तो वो भी मंगवाई। लेट्स सी क्या होता है।